ज आइडेंटिफाई द इनहेरिटेड ट्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग हमने इनहेरिटेड ट्रेड बताना है हमारे पास टू टाइप के ट्रेड्स होते हैं एंड इनहेरिटेड एक्वायर्ड होते हैं जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ इन्हेरिटेड जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं राइट right? अब हम देखते हैं ऑप्शन में इनमें से हमने इनहेरिटेड कैरेक्टर चूज करना है नीचे से शुरू करते हैं डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट मतलब कि टैनिंग हो जाना ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है आफ्टर बर्थ होता है सिंगिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन ये बाय प्रैक्टिस एक बंदा एक्वायर करेगा तो एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया डिवेल्ड मस्क्यूलेचर ऑफ ए रेस्लर मसल्स बॉडी बनाता है जो रेसलर ये भी एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया जिम जाकर डाइट लेकर ये भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है कलर ऑफ सीड ऑफ गार्डन पी ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है ये जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो सीड का कलर जो है गार्डन पी का डिसाइड होगा सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन से सो द करेक्ट आंसर इज ए कलर ऑफ सीड ऑफ गार्डन पी